हे गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम लोग एंड्रॉइड आईजे 2 खेलेंगे, जो थोड़ी बहुत कंपैरिजन और रिव्यू टाइप होगी बिकॉज ऑफ ओरिजिनल आईजीआई एंड आईजीआई 2, क्योंकि मिशंस काफ़ी मिलते जुलते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को दो चीज़ बता देना चाहते हैं। पहला, वीडियो थोड़ी बहुत से ज़्यादा ही लंबी हो सकती है, और दूसरा, एंड्रॉइड आईजीआई 1 से रिलेटेड हम वीडियो बना चुके हैं, और अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। तो गाइज, अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, गेम स्टार्ट हो गई है। सेम पब्लिशर आईजीआई एंड्रॉइड का। सो दिस इज गेम का मेनू एंड अबाउट इट्स लैंग्वेज। गूगल बाबा तो नहीं, लेकिन आप लोगों के कमेंट से ही इतना तो कंफर्म है कि या तो ये पर्शियन है या फिर उर्दू, और दोनों भाषा में कुछ होना हो पर एक चीज़ कॉमन है, दोनों भाषा को राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। एंड आई थिंक डेवलपर ने अपने सुविधा के लिए इसी कारण से प्ले बटन लेफ्ट में रखा है और एग्जिट राइट में, या फिर डेवलपर का मन, वो जहाँ चाहे वहाँ किसी भी फंक्शन को डाल सकता है। बाय द वे, ये इमेज भूलने लायक तो नहीं है, और इन सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले एक मिशन कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले बैकग्राउंड म्यूजिक पे ध्यान दें, तो वो आईजीआई 2 का मिशन 1 इन्फिल्ट्रेशन का साउंड ट्रैक है, बट यहाँ पर जो मिशन दिख रहा है वो प्रोजेक्ट आईजीआई का फेमस मिशन नंबर 11 ईगल्स नेस्ट 1 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मोबाइल में शूटिंग, वो भी FPS, मेरे लिए बहुत मुश्किल है गाइस, मतलब हेडशॉट तो गलती से ही होने वाला है। आप लोग का पता नहीं गाइज, बट हमको तो सिर्फ मूवेबल डॉट ही दिख रहा है और हम उसी को मार रहे हैं। चलो अच्छा है, इसमें कम ही वेपन कैरी कर सकता है, अगर ज़्यादा होता तो हम कंफ्यूज हो जाते कि पहले कौन सा वेपन यूज़ करें। ओके, खोपड़ी का साइन बना है, यानी हेडशॉट। वैसे फोकस एम से लग रहा है जोन्स काफी डरा हुआ है। सो अबाउट दिस मिशन, करना क्या है? करना कुछ नहीं है, बस वो टावर को छू के आ जाना है, जैसे हम लोग बचपन में खेलते हैं ना, कौन वो दीवार छू के पहले पहुंचेगा, कौन वो खंभे को छू के सबसे पहले पहुंचेगा, वही है। यहां मैं ग्रेनेड फेंक देते हैं, अगर कोई बचा भी होगा तो शायद वो मर जाए। चलो इतना मुश्किल से पहुंचे तो सही, अब हम लोग को बस हाथ लगाना है। इन सबको इग्नोर करते हैं और वापस जाते हैं। सो अबाउट दिस गेम, इंटरफेस से पूरा लग रहा है ये
मल्टीप्लेयर तो नहीं बट ऑनलाइन पर्पज से बनाया गया होगा, क्योंकि इसमें ये एनर्जी बार है और शायद ये डेली टास्क होगा। जैसे कि ये टास्क करो तो ग्रेनेड मिलेगा, इससे पैसा मिलेगा, और ये टास्क करो तो एनर्जी मिलेगा शायद, अगेन आई एम नॉट श्योर। जल्दी जल्दी बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं, जैसे कि ये, तो यहाँ पर ये इक्विपमेंट्स हैं, जैसे ये ग्रेनेड्स, हेल्थ, ये बुलेट प्रूफ वेस्ट, और ये शायद हेल्थ रिजनरेटर होगा। लोगों देख के तो ऐसे ही लग रहा है। कॉइन का सिंबल भी नहीं बना हुआ है, शायद इसलिए खरीद नहीं सकते हैं। ये दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग वेपन ले सकते हैं और इसके कुछ अटैचमेंट्स, जैसे कि ये स्कोप और ये सप्रेसर। और ये एक ऐसा ग्रेनेड लॉन्चर है जिसमें असॉल्ट राइफल का मैगजीन लगा है, या फिर शायद हम ही गलत हैं, ये ग्रेनेड लॉन्चर नहीं, ये शॉटगन होगा। खैर, हम लोग एके लेते हैं। जहाँ तक हो सकता है इसको अपग्रेड कर देते हैं। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि टोटल मिशन 6 है सैंपल के हिसाब से। नेक्स्ट मिशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है मिशन नंबर 2, जो हमें IGI-2 के मिशन नंबर 6 प्रोडक्शन फैसिलिटी का याद दिलाता है। अच्छा, हमको लगा ये 4X होगा, ये तो रेड डॉट निकला। यहाँ से ये मरने वाला है ही नहीं, उधर से जाते हैं। इसका हाइट बहुत कम लग रहा है, शायद हम यहाँ से पार हो जाएं। वैसे एके अच्छा है, एके तो हर गेम में अच्छा ही है, लेकिन हम इस गेम का बात कर रहे हैं क्योंकि सारे एनिमीज के पास एके ही है, और अगर बुलेट ख़त्म भी हो गया तो उन लोगों से मिल ही जाएगा।
ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे मिशन 2 अनलॉक हो गया है और इन सब की बात करें तो ये शायद इवेंट मिशन होगा जिसमें एनर्जी खर्च होता है और सारे मिशन ज़ॉम्बी बेसिस पे है, लेकिन हम लोग सिर्फ स्टोरी मोड खेलेंगे। अब हम लोग दूसरा वेपन ट्राई करते हैं। पता नहीं इस वेपन को हम लोग कैसे लेंगे, पैसे का भी आइकॉन नहीं बना हुआ है, शायद किसी और तरीके से ये मिलेगा। चलो तो फिर स्नाइपर ही लेते हैं। इसमें अटैचमेंट्स नहीं है, बस अपग्रेड कर सकते हैं पर और नहीं करते हैं, ऐसे ही चला के देखेंगे। सो गाइस, ये है मिशन नंबर 3 और देख के ही लग रहा है ये मिशन लिया गया है प्रोजेक्ट IGI के मिशन नंबर 4 GOD से, जिसमें हमें स्नाइपिंग करना रहता है। मोबाइल गेम में हैरिसन नहीं है, इसलिए उसका काम भी हम ही को करना पड़ेगा। वैसे तो आनिया भी नहीं है। वी नो दैट ये डब्बा IGI-2 का है। वाओ, स्नाइपर का रेट ऑफ फायर तो जबरदस्त है। ऑलराइट, मिशन 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट मिशन पर, लेकिन पहले हम लोग कुछ ले लेते हैं, जैसे कि ये हेल्थ और बुलेट प्रूफ वेस्ट फुल कर लेते हैं। रिजनरेटर तो काम नहीं करने वाला, ग्रेनेड ज़रूरत नहीं है। और अब चेक करते हैं दूसरा वेपन को, इसको ट्राई करते हैं, सेकंड लास्ट वेपन है तो शायद इसमें कुछ बात हो। तो ये है मिशन नंबर 4। इस मिशन को लिंक अच्छा किया है पिछले मिशन से। पिछला मिशन में ट्रक लेके भागना रहता है और इस मिशन में क्रैश हो जाता है, और इस तरह से ये मिशन बन जाता है बॉर्डर क्रॉसिंग, जो ऑलमोस्ट IGI-2 के मिशन नंबर 7 बॉर्डर क्रॉसिंग से मैच करता है।
गोलियों की कमी के कारण ये वेपन कुछ खास पसंद नहीं आया। मिशन 4 कंप्लीट हो गया है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मिशन। बट पहले हम लोग स्नाइपर ले लेते हैं। आप लोग भी देख ही चुके हो, सारे वेपन में से स्नाइपर ही बेस्ट है। इसे कर देते हैं फुल अपग्रेड। पता नहीं क्या अपग्रेड हुआ, पर अगर हो रहा है तो कर ही देते हैं। सो दिस इज मिशन 5 गाइज। फिलहाल शॉर्टकट लेने के कारण आप लोगों को उतना पता नहीं चलेगा कि ये IJIT किस मिशन से मिलता जुलता है। तब तक हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं अबाउट पिस्टल, जो इस गेम में सिर्फ एक ही है। इसके अलावा और कोई भी हैंडगन डाला नहीं गया है। सो गाइस, यहाँ से पूरा तो नहीं पर काफी मिलता जुलता मिशन लग रहा है IJ2 के मिशन नंबर 3 वेदर स्टेशन से। तो मिशन 5 आसान तरीके से कंप्लीट हो गया है। सो इस गेम में बिना किसी को मारे मिशन करना बेकार है। आप देख ही सकते हो अंडा मिला है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस गेम का लास्ट मिशन। पहले स्नाइपर चेक एंड नाउ स्टार्ट। तो ये है इस गेम का फाइनल मिशन, मिशन नंबर 6, और ये पूरी तरह से मैच कर रहा है IJ2 के मिशन नंबर 19 से, जो फाइनल मिशन है द लॉन्च पैड नाम से। यहाँ मैं डेविड जोन्स की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने लिफ्ट नहीं बनवाया। ये चीज़ अच्छा है कि इस गेम में टैंक और APC नहीं है। हम लोग वहाँ पर टाइम बॉम्ब सेट किए थे, पर टाइम से पहले हम लोग कर दिए, इसके साथ ये ट्रिगर यूज कर रहा है।
सो गाइस ये था IGI 2 मोबाइल का फुल गेम प्ले कंपेयर्ड विद ओरिजिनल IGI सीरीज। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो एंड आई नो आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से दोबारा बताना चाहेंगे IGI गेम के जो डेवलपर पब्लिशर कोई भी हो, इन लोगों ने आज तक मोबाइल डिवाइसेस के लिए कोई भी IGI गेम नहीं बनाया है ऑफिशियली। और जो हमने मोबाइल IGI 1 एंड 2 खेला है उसे हम लोग एक फैन बेस्ड गेम अज्यूम करके चल रहे हैं। बस यही बोलना था और क्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग।